अगर आप भी अगर इंडिया से बाहर अगर टूर एंड ट्रेवल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फॉरेक्स कार्ड की जरूरत पड़ता होगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे लाइव यहाँ पे प्रोसेस दिखाने वाला हूँ नियो ग्लोबल इंटरनेशनल फॉरेक्स कार्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा काफी कमाल का है। साथ में जो इसका ट्रांजेक्शन चार्ज है ये बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है, और इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल वे में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों अप्लाई करने के बाद आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप अपने घर के पते पे इसको डिलीवर भी करवा सकते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा नियो ग्लोबल। सिंपली इसको डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ आपके सामने इस तरीके से होम पेज शो होगा। इसके बाद से आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो इंटरेस्ट फ्री एटीएम विथड्रॉल जो है, इंजॉय अप टू 45 डे इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑन एटीएम विथड्रॉल, यानी कि एटीएम से आप कोई भी पेमेंट को अगर आप जब भी विथड्रॉल करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट जो है आपका 45 दिन के बाद ही आपको यहाँ पे लगने वाला है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक यहाँ पे ये ग्लोबल कार्ड होने वाला है। सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। साथ में अगर आप चाहते हो कि आप अपने मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन चाहते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर, तो सिंपली यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो यहाँ से अनटिक कर देंगे। इसके बाद से कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों पूछ रहा है कि ये जो मोबाइल नंबर है इसी फोन में है या नहीं है, अगर इसी फोन में है तो सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऑप्शन बन के आएगा। अब सिंपली आपके नंबर से एक वो मैसेज आएगा जो कि यहाँ पे वेरीफाई होगा, तो सिंपली सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपका मैसेज यहाँ पे सक्सेसफुली चला गया है। अब आपको सिंपली बैक आना है एक बार, फिर से आपको दोस्तों यहाँ पे इम्प्रूव मैसेज का ऑप्शन आ गया, सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से बैक जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सेंडिंग मैसेज यहाँ पे फोन नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब फ्रेंड आप अपने ईमेल आईडी से आप यहाँ को वेरीफाई कराना पड़ेगा, जो कि आपका ऑलरेडी ईमेल आईडी डाला हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे या फिर से दूसरा ईमेल आईडी डाल के उस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डालने के बाद सिंपली कंफर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इज दिस यू, यानी कि आपका जो भी पैन कार्ड के ऊपर आपका नाम होगा यहाँ पे शो करने स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपका यही नाम है तो सिंपली यहाँ पे डेट्स मी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे डू यू हैव रेफर कोड, तो अगर आपको किसी ने रेफर किया है तो आप सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे उसका रेफर कोड डालना है, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे स्किप में कर देता हूँ, फिर से आपका रेफर कोड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ से भी आप चाहे तो आप डालकर और आसानी के साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको 6 डिजिट का आपको सेटअप पासवर्ड यहाँ पे करना पड़ेगा, ताकि जब भी लॉगिन करो तो आप इस पासवर्ड को डाले बिना आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद फिर से री इंटर पासवर्ड करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब फ्रेंड आप देख सकते हो कि आपके सामने जैसे वेरीफाई करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका गेट योर ग्लोबल कार्ड यहाँ पे आ चुका है। नियो यहाँ पे वीजा प्लेटिनियम कार्ड है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे नियो का वीजा जो है SBM कार्ड जो यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। इसके साथ साथ दो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे गेट योर ग्लोबल कार्ड, यानी कि यहाँ पे 0 फॉरेक्स चार्ज जो है, यहाँ पे आपको दो आपको कार्ड मिलने वाला है। एक तो आपको नियो की तरफ से वीजा प्लेटिनियम मिलेगा, जो कि इक्विट्स बैंक जो है प्रोवाइड करा रहा है। मैं दोस्तों यहाँ पे नियो का वीजा प्लेटिनियम यहाँ पे इक्विट्स बैंक जो प्रोवाइड करा रहा है इसको मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, तो सिंपली यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का है ऑप्शन, सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। अब फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे गो ग्लोबल नियो ग्लोबल यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली आपको थोड़ा समय वेट कर लेना है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें मांगेगा, जैसे कि वेरीफाई और आइडेंटिटी, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ फाइल नंबर मांगेगा, जो कि आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। पासपोर्ट जब भी आपने अप्लाई कराया होगा उस पे होगा तो पासपोर्ट के लास्ट में आपको शो करना स्टार्ट कर देगा, जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। फाइल नंबर डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा समय वेट कर लेना है, और यहाँ देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पे डिटेल्स जो है वेरीफाई किया जा रहा है। अब आपको थोड़ा समय वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपका पासपोर्ट नंबर, इसके बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम वगैरह जो है फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पे हाइड करके शो करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका यही डिटेल्स है तो सिंपली आपको कंफर्म का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब आपको थोड़ा समय वेट कर लेना है। अब फ्रेंड यहाँ पे बोल रहे हैं आप अपने आधार नंबर या फिर से वर्चुअल आईडी आप डाल के इसको वेरीफाई करना है, तो सिंपली अपना आधार नंबर पे जाएंगे और अपना आधार नंबर डालेंगे। इसके बाद से आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो सिंपली माई आधार इज नॉट लिंक्ड विद माई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे आपको PDF अपलोड करने की जरूरत पड़ेगा। मेरे आधार कार्ड के अंदर ऑलरेडी मोबाइल नंबर है, तो सिंपली मैं आधार नंबर डालूंगा और उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपको OTP
OTP से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड के अंदर जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा लिंक्ड, उस नंबर के ऊपर एक OTP आएगा जो कि आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद सिंपली वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। OTP दोस्तों वेरीफाइड होते ही योर KYC ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस जो है दोस्तों यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। अब सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे लोकेलिटी में कुछ आपका एड्रेस डाल देना है कि नियर बाई आपका क्या है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद से आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है। इसके बाद से आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से फ्रेंड आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोल रहा है ये क्विक फेस कैप्चर, यानी कि आपका जो फेस जो है दोस्तों यहाँ पे कैप्चर करेगा। तो सिंपली यहाँ पे ओपन कैमरा के ऊपर क्लिक करके और अपने फेस का एक फोटो यहाँ पे ले लेना है। फेस वेरिफिकेशन दोस्तों करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका फादर नेम डालेंगे, मदर नेम, मैटरनिटी रजिस्टर जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से दोस्तों आपको प्रोफेशनल में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट। इसके बाद से मंथली इनकम जो है यहाँ पे आपको भी डाल सकते हो 10,000-5,000 जो भी है, फिर से यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके बाद से दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन बन के आ जाएगा जो कि विल रीच यू मेक्स योर यू आर हेयर एड ए न्यू एड्रेस जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको अपने यहाँ पे एड्रेस पूरा फुल डिटेल्स के साथ यहाँ पे डालना है। डालने के बाद सिंपली कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड दोस्तों आपको एड ए न्यू एड्रेस बोल रहा है जो कि वो आपका जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पे पहुंच पाए, तो सिंपली अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद सिंपली कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट होते हैं दोस्तों आपका यहाँ पे विद इन 1 वीक के अंदर अंदर आपका जो यहाँ पे ग्लोबल कार्ड होगा नियो का वो आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा। फ्रेंड इस तरीके से आप आसानी के साथ आप अपने नियो ग्लोबल फोरेक्स कार्ड को आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो और अपने घर के पते पे डिलीवर करवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।